एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने जो है वो इन लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 14 करोड़ कीमत की जो है वो 2 किलो जो हीरोइन है वो रिकवर की है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये रिकवरी जो है ये की गई है और ये वो 3 शख्स हैं जिन्हें जो है ये गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो है वो एक जानकारी के मुताबिक एक सर्विस मैन है और एक ड्रग कार्टल जो था ये लोग चला रहे थे। तो ये तस्वीरें आप देखें इनकी। ये वो 3 शख्स हैं जिन्हें गिरफ्तार यहां से किया गया है और 14 करोड़ की हीरोइन जो है ये पाकिस्तान से इस और स्मगल जो थी वो की गई थी। बहरहाल अब मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो है इस पूरे विषय पर की जाएगी कि आखिर किस प्रकार इनके जो लिंकअप थे वो वहाँ थे और मॉडस ऑपरेंडी जो है वो ANTF की तरफ से जो है वो बताया गया है कि आखिर किस प्रकार ये लोग पाकिस्तान से जो है वो इस और जो ड्रग्स थे जो हीरोइन थी इनके लिए यहाँ पर फेंकी गई थी और बाद में ये लोग वहाँ से कलेक्ट करके जो है ये आगे सप्लाई करते थे। तो ये वो 3 शख्स हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक जो है वो एक सर्विस मैन बताया जा रहा है और बाकी के जो 2 लोग हैं वो भी यहाँ के स्थानीय हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय कार्टल जो था ये ड्रग का चला रहे थे और हाल फिलहाल जो इनसे अभी प्राथमिक जो रिकवरी हुई है वो 2 किलो हीरोइन की हुई है और कीमत इसकी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में 14 करोड़ रुपए आकी गई है। बहरहाल इनके अब तमाम वो लिंक्स खंगाले जाएंगे कि ये किनके संपर्क में थे और किस प्रकार से ये पूरा ये जो गैंग था ये ऑपरेट यहाँ पर कर रहा था। और लगातार आप देखें तो यहाँ जम्मू कश्मीर में जो है वो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ हैं वो तेज़ हो रही हैं। मेहनत के बाद और भारतीय सेना की मदद से हमने कुल मिला के 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो अंतर्राष्ट्रीय मॉड्यूल का हिस्सा थे। 2 पैकेट हीरोइन हमने रिकवर की है जो अफगान ग्रेड हीरोइन है, हाई ग्रेड हीरोइन। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 7 करोड़ पर केजी की इसकी कीमत रहती है। कुल मिला के 14 करोड़ के करीब इसकी कीमत होगी। स्पेसिफिक में आप 19 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कोई आदमी एक नरेश नाम का जो अपनी स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्कूटी जो उसका शेयर हुआ था हमारे साथ वो फोर से अखनूर की तरफ हीरोइन की कोई कंसाइनमेंट लेके जा रहा है। एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने जगह जगह पे नाके लगा लिए और हम कामयाब रहे उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करने में। जब हमने सर्च की तो वहाँ से 1 पैकेट हीरोइन का रिकवर हुआ जिस पे एक बड़ा नोएमा किस्म का चिन्ह लगे हुए थे, वेरी स्पेसिफिक पिक्यूलर काइंड ऑफ इंडिकेशंस जो अफगान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा कर रहे थे। नरेश की क्वेश्चनिंग और इंटरोगेशन की गई। नरेश ने ये माना कि 1 पैकेट और ऐसा है हीरोइन का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कहीं छुपाया हुआ है। 2 दिन बावजूद बारिश के और पानी 5-5 फीट था अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास, भारतीय सेना की मदद से हमने 2 दिन लगातार वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया लेकिन वहाँ से हमें पैकेट रिकवर जब नहीं हुआ, उसकी फर्दर इंटरोगेशन जब की गई तो उसने बोला कि 2 लोग ऐसे हैं जिनको मैं आपको बता सकता हूँ डिटेल्स, जो वो स्पेसिफिक जगह पे आपको ले जाएंगे जहाँ पर ये माल छुपाया हुआ है। तो हमने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया जिनके नाम एक बलवीर सिंह है और कमल सिंह है। बलवीर सिंह एक्स सर्विस मैन है। ये दोनों लोग जब हमने गिरफ्तार उठा लिए और इन्होंने भी जब ये कबूल कर लिया कि हाँ हमें पता है कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास ये पैकेट हमने छुपाया हुआ है, इनको हम उस जगह पे फिर से ले गए भारतीय सेना की मदद से क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास का इलाका था। ड्यूरिंग सर्च हमें वहाँ से 1 पैकेट और रिकवर हुआ। जब इन 3 लोगों की हमने टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी और सस्टेन इंटरोगेशन भी की तो क्लियर हुआ कि ये माल जो है ये पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के फेंस के पार फेंका जाता है और वो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ये लोग उठा लें। इससे पहले कि वो दूसरा पैकेट उठा पाते हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और कुल मिला के 2 किलो हमने हीरोइन, 2 पैकेट जो अफगान ग्रेड हीरोइन है उसको हमने सीज किया हुआ है, रिकवर किया है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कुछ पाकिस्तान के डिटेल्स हमारे पास आए हैं। क्लियर रेफरेंस है कि कौन लोग हैं जो सप्लायर्स हैं
हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी गिरफ्तारी का भी पूरा अरेंज करें, चाहे उसमें हमें प्रत्यर्पण का सहारा लेना पड़े, चाहे इंटरपोल की सहायता लेना पड़े, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, चाहे लेटर रिवोटरी लिखना पड़े, उन लोगों की गिरफ्तारी के भी पूरे साधन किए जाएंगे। सर एसएसपी साहब, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, जिस तरह पाकिस्तान ये स्ट्रैटेजी बना रहा है कि ड्रग्स की जो स्मगलिंग है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से हो पाए, हालांकि हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की टीम इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक्टिव है, LOC के ऊपर आर्मी एक्टिव है, फिर भी क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है? देखिए, स्ट्रैटेजी जो है बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ये BSF और आर्मी का डोमेन है, उस पर मैं बहुत ज़्यादा गहराई में जाना नहीं चाहूँगा। हमारा काम है सीजर्स करना एंड नारकोटिक्स की सप्लाई चेन को तोड़ना। मैं इस पर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल्स में मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगा, वो आर्मी से ही आप पूछे इस तरह के सवाल। सर ये जो यहाँ से रिकवरी की गई है, ये लोकल जो ड्रग पैलेट्स हैं ये उन तक सप्लाई करनी थी या फिर नारकोटिक्स में जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, अगर आप पिछला ट्रेंड और पैटर्न देखें तो जो रूट्स और जो लोग जो सप्लायर्स हैं ड्रग कार्टल्स के, इस तरह के लोग जो इन्वॉल्व रहते हैं, जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलर्स हैं, उन्हीं लोगों को पाकिस्तान यूज़ करता है, उन्हीं रूट्स को और उन्हीं लोगों को एज OGW यूज़ करता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए भी। तो इसलिए इस स्टेज पे इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ये टेरर मॉड्यूल, नार्को टेरर मॉड्यूल का कोई हिस्सा होगा। पाकिस्तान के लिंकेजेस हैं, उनकी बातों से ये लगता है, जिस तरह की उन्होंने मेल्स की हुई हैं कि बड़े कंफर्ट जोन में वो लोग पार बैठे हुए हैं, इसका मतलब उनको वहाँ के प्रशासन का भी सहयोग प्राप्त है। सर जाहिर सी बात है, ये लोग वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे तो इनके लोकल सपोर्ट भी वहाँ पर होंगे? हाँ, मैं लोकल सपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि पूरे इंतजामिया का सपोर्ट के बाद ही आदमी इस लेवल के कंफर्ट जोन में पहुँचता है, जितने इजीली वो अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर तक पहुँचते हैं पाकिस्तान की तरफ से और इतनी आसानी से फेंक लेते हैं, जबकि हमारी तरफ से इतना आसान बॉर्डर तक जाना नहीं है। तो यहाँ पर बिल्कुल इनकी तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि पूरी संभावना है कि ये नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है, क्योंकि जो मॉडस अप्रेंडी है, यानी कि जो तरीका है ड्रग्स इस ओर पहुंचाने का, वो यही दर्शाता है कि ये मामला आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। और दूसरा, क्योंकि ये लोग जो हैं जिस प्रकार के इनके लिंकअप है और जिस प्रकार वहाँ पर कुछ लोग पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग हैं वो जितनी आसानी से सीमा के पार आकर इस और जो ये ड्रग्स जो है ये पहुंचा रहे हैं, नारकोटिक्स पहुंचा रहे हैं और उसके बाद ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं, तो मामला सीधे तौर पर नार्को टेररिज्म यानी कि आतंकवाद से जुड़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन हाल फिलहाल क्योंकि जाँच जो है इस पूरे मामले पर अभी चलेगी और नई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन लोकल सपोर्ट को लेकर भी आपने सुना कि उन्होंने कहा कि संभावना है कि लोकल सपोर्ट जो मिल रही है उसको लेकर भी अभी बहुत बड़े दायरे में जो जांच होगी। और इस प्रकार की बात भी है कि कुछ और लोग इस पूरे कार्टल में जो है वो गिरफ्तार हो सकते हैं, जो हाल फिलहाल प्राथमिक पूछताछ में शायद वो उनके नाम जो है वो इन्होंने नहीं लिए हों। बहरहाल 3 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और जांच इस पूरे मामले पर अब काफ़ी गंभीरता के साथ की जाएगी, क्योंकि ड्रग से जुड़ा हुआ ये मामला सीधे तौर पर जो है आतंकवाद से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखते रहिए जम्मू लिंक्स न्यूज़। नमस्कार।